पहुंची एक्टिव केसेस की संख्या, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। तो रामनगर से बड़ी खबर है, लगातार कोविड केसेस यहां रिपोर्ट किए जा रहे हैं, फिर से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी 30 को पार कर गई है, 38 तक के आंकड़ा पहुंच गया है। एक दिन में 6 नए केस रामनगर में रिपोर्ट किए गए। अभी तक देखिए, आज जो हमारे पास 1 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 6 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। और 11 तारीख से हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की थी, जिस दिन हमारी मॉक ड्रिल हुई थी उस दिन से, और अभी तक 38 केस जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं रामनगर में 11 से 26 तक 15 दिनों में। अभी तक देखिए, आज जो हमारे पास 1 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 6 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। और 11 तारीख से हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की थी, जिस दिन हमारी मॉक ड्रिल हुई थी उस दिन से, और अभी तक 38 केस जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं रामनगर में 11 से 26 तक 15 दिनों में। रामनगर में पार्किंग के नाम पर ट्रांसपोर्टर से अवैध वसूली की जा रही है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अवैध वसूली से